हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के साथ बहुत ही सिंपल और उतनी ही टेस्टी बैगन मसाला फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो भी तवे पे मैं फ्राई करूँगी। आप इसे टिफ़िन में भी पैक करके ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बैगन को स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। डालना है इसमें नमक, रेड चिली पाउडर, तीखे के अकॉर्डिंग आप मिर्ची यूज़ करें, और उसके बाद हल्दी पाउडर डाल देना है। ये है मस्टर्ड पाउडर यानी सरसों का पाउडर, काली मिर्च पाउडर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो पेस्ट तो ज़रूरी है, और थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें आधा नींबू का रस ऐड किया है निचोड़ कर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है चिली सॉस। तो ये एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिससे आपका बैंगन फ्राई एकदम मसालेदार, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो मैंने 2 चम्मच ऐड किया है इसमें, और थोड़ा सा आपको चिली सॉस में ना खट्टा वाला भी फ्लेवर होता है, तो आप हिसाब से ही डालें जितनी आपको खानी हो। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर देना है ताकि मसाले जो है ना अंदर तक बैंगन के चले जाएं, और हमारा जो मसाला बैंगन फ्राई है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी ले जा सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। इसे अच्छे से फ्राई कर दीजिएगा। तो तवे पे डालना है मस्टर्ड ऑयल, ऑयल को इस तरह से स्प्रेड कर देना है। फ्लेम को आपको मीडियम टू हाई रखना है। उसके बाद एक एक करके सभी बैंगन को तवे पे डाल देना है। सभी बैंगन को अलग अलग जगह पे डालें क्योंकि तवा थोड़ा सा बड़ा है, तो सभी एडजस्ट हो जाएंगे आई होप, नहीं तो मैं दूसरे बैच में इसे भी फ्राई करूँगी। तो देखती हूँ कितना एडजस्ट हो पाता है। तो इस तरह से सभी बैंगन को अलग अलग जगह पर रख देना है, और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है और उतना ही टेस्टी लगता है खाने में। ये सूखी सूखी बैंगन फ्राई की रेसिपी ना फ्रेंड्स, दाल चावल के साथ जब आप इसे ट्राई कीजिएगा तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो मैं इसे ढक दे रही हूँ 1 मिनट के लिए। उसके बाद 1 मिनट के बाद आप देखिएगा बहुत ही सुनहरा सा, परफेक्ट सा, एकदम रेड रेड कलर आ चुका है। देखने में एकदम बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम टेम्पटिंग। तो इस तरह से सभी बैंगन को टर्न कर देना है ताकि दूसरी तरफ भी ना इवनली अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कम तेल में भी आप इसे कुक कर सकते हैं। जिन्हें भी आपको ज़्यादा तेल खाना आपको परहेज हो, तो ये रेसिपी बैंगन की ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही परफेक्ट और एकदम मज़ेदार मसाला बैंगन फ्राई बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना परफेक्ट हमारा बैंगन कुक हो चुका है। तो इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ या इन्जॉय कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि रेसिपी क्विक सी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।